वेलकम टू माई चैनल और मैं हूँ साइमा। आज मैं आपके साथ अपना एक DIY फाउंटेन शेयर करूँगी। ये फाउंटेन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बनाया है। अगर हमारे गार्डन में एक फाउंटेन ऐड हो जाता है तो गार्डन की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। मैंने भी अपने छोटे से गार्डन में एक फाउंटेन ऐड किया है, तो देखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इस फाउंटेन को बनाने के लिए मैंने एक थर्माकोल के बॉक्स का यूज़ किया है। क्योंकि मुझे वाटर फाउंटेन बनाना था, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए मैंने पूरे थर्माकोल के बॉक्स को मैंने सीमेंट से कवर किया है ताकि किसी तरीके की वाटर लीकेज ना हो पाए। इसके अलावा ये जो बॉक्स है, इसमें पहले से कुछ पार्टीशंस बने हुए थे और कुछ पार्टीशंस मैंने बनाए हैं। थर्माकोल को ही कट करके मैंने ये स्टेयर्स बनाई हैं और इसको भी मैंने सीमेंट से कवर किया है और कुछ स्टोन रख करके मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है। इसी के नीचे एक और पार्टीशन है जिसमें मैंने मोटर फिट की है और साइड में मैंने एक मिनिएचर भी दिया हुआ है, जिसके लिए मैंने अपनी बेटी का एक वेस्ट टॉय यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा मैंने कलर करके इसको थोड़ा नेचुरल लुक देने की कोशिश की है। मेरे पास एक फ्लावर पॉट था, मीन्स एक आर्टिफिशियल पॉट है जिसको मैंने हट के पीछे रखा हुआ है, तो जो देखने पर थोड़ा सा एक ट्री का लुक देता है। साथ ही साथ मेरे पास कुछ कलरफुल स्टोन थे जिसको मैंने यहाँ पे रख के एक रास्ता क्रिएट किया है और ये मैंने बालू भर दी है। यहाँ पर भी मैंने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं। ये भी मेरी बेटी का एक टॉय है जिसको मैंने यहाँ ऐड किया है। ये एक स्टोन है जिसको मैंने कार का लुक देने की कोशिश की है और इसको भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इस पार्टीशन में मैंने पॉटिंग मिक्स भर के मिट्टी वगैरह, इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया है। जेड प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये आसानी से लग जाता है, तो मैंने इसकी कटिंग्स को यहाँ पे लगाया है और मैंने कुछ स्टोन्स कलर करके मैंने यहाँ पे इसको डेकोरेट किया है। ऐसे ही कुछ स्टोन्स मैंने यहाँ भी जैसे पेंगुइन एंड फिश वगैरह बना के मैंने यहाँ पे रख के अपने फाउंटेन को थोड़ा डेकोरेट किया है। ये है मेरी स्टोन आर्ट जो मैंने बनाई थी। इसे मैंने अपने फाउंटेन के पास रख दिया है अपने फाउंटेन को एक कंप्लीट लुक देने के लिए। अगर आपको मेरी स्टोन आर्ट पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, ये है मेरा फाउंटेन। क्योंकि मेरे गार्डन में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैंने अपने फाउंटेन को इस प्लांटर स्टैंड के नीचे रखा है। इस प्लांटर स्टैंड के नीचे काफ़ी स्पेस थी तो मैंने अपने वाटर फाउंटेन को यहीं रखा है। सो गाइस, आपको कैसा लगा मेरा ये वाटर फाउंटेन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।